सब्सक्राइब कीजिए सैफ क्रैकर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप पाए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की फिर इस नई वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 4G LTE के स्पीड कैसे आप हासिल कर सकते हैं विद स्ट्रॉन्ग सर्विस दोस्तों। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको फुल अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर देते हैं। इस ऐप को आपने डाउनलोड कर देना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप ये ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्ले स्टोर ओपन करके बताता हूँ कि आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सर्च करना है सिर्फ 4G LTE ओनली, आपने सर्च कर देना है 4G ओनली ये फर्स्ट वाला ऐप आपने इसे ओपन कर देना है और यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो चलिए मैं ओपन करके आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए ऐप ओपन करते हैं। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी, लोडिंग होने दे दोस्तों। और यहाँ पर लोडिंग होके यहाँ पर एक ऐड भी आ जाएगा, आपने इस ऐड को कैंसिल कर देना। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ओपन सीक्रेट सेटिंग्स, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो नीचे आपको दिख रहे ये ऑप्शन है WCDMA ओनली, इस पर आपने क्लिक कर देना। और यहाँ पर आप LTE ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अभी तो बहुत से ऑप्शंस, आपको ये नहीं पता होगा कि LTE कौन सा है। ये आप LTE ओनली पर क्लिक करेंगे तो तब आपको 4G स्पीड मिलेगा। सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि आपको 4G भी मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ 4G नहीं है, आप WCDMA का मतलब 3G, GSM का मतलब 2G, आप बहुत सारे सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर मोड्स है बहुत सारे। तो LTE पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 4G मिल जाएगा। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर देख रहे हैं मेरा 4G आने वाला है। आपका मोबाइल डेटा डिस्कनेक्ट होके वापस कनेक्ट हो जाएगा, तो आप अभी देख सकेंगे ये मेरा 4G आने वाला है। ये 4G LTE मुझे स्ट्रॉन्ग सर्विस के साथ मुझे मिल गया यहाँ पर 4G। ये सर्विस आपको आप जहाँ पर भी हो आपको मिल सकते हैं, लेकिन आप इसमें 4G होना चाहिए। तो यहाँ पर और बहुत सारे मोड्स है, WCDMA ओनली आप करेंगे तो यहाँ पर आपको 3G मिल जाएगा। और भी बहुत सारे मोड्स अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा 3G आ गया। अगर आपको 4G जल्दी नहीं आ रहा तो यहाँ पर रन पिंग टेस्ट पर आप क्लिक करेंगे। कुछ ही देर तक आप क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको 4G वो जल्दी आ जाएगा। वैसे अगर टाइम ले रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों LTE GSM CDMA ऑटोमेटिक, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके एरिया के रिलेटेड आपको सर्विस मिलेगी। जैसे अगर आपके एरिया में 3G आ रहे तो यहाँ पर आपको 3G मिल सकेगी दोस्तों। तो ये था हमारी आज की वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको फिर ऐसी वीडियोज लेकर आता रहूँगा दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।